नंबर एक टॉप प्रायोरिटी एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा शोध, या तो अपने आप में संबल हो करके कोई रोजगार शुरू किया हो उसने, या तो शोध किया हो वहाँ के नागरिकों ने। किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी देश, विकसित देश को देख लीजिए, केवल फैक्ट्रीज और अच्छे शोध के कारण वो नंबर वन है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो जॉब की लिस्ट है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सबसे लास्ट है और उसके पहले शोध है, रिसर्च एंड टीचिंग। जब ये बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद क्लियर नहीं होता है कि क्या करें, तो ये होता है कि शोध में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ तो करेंगे ही। और जब वो सब करने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, तो फिर लगता है चलो कोई बिजनेस कर लेते हैं, यानी लास्ट ऑप्शन बिजनेस और उससे पहले वाला रिसर्च एंड टीचिंग, जो कि टॉप टू प्रायोरिटीज होना चाहिए किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए। इसलिए ज़्यादा बल है वर्तमान सरकार का, पूरे वर्तमान जनमानस के इस बात पर ज़्यादा बल है कि रोजगार करने वाले नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाले निकाले जाएं और शोध करने वाले निकाले जाएं। और ये जो आजकल शोध विधियों की कार्यशालाएं हो रही हैं, उसका पूर्ण मकसद यही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी सिर्फ ये है कि जो हमारे प्रयास हैं वो उचित दिशा में नहीं होते हैं, कुछ संसाधन के लिए, कुछ मनस्थिति के कारण। ज्यादातर लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए शोधार्थी हैं, है ना, शोधार्थी सब लोग रिसर्च स्कॉलर ही है ना। तो अगर ये क्वेश्चन थ्रो कर दिया जाए, ये क्वेश्चन सामने रखा जाए कि शोध क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा? पहली बात सबसे पहले, बाकी तो बात अच्छा शोध हो बात की बात, पहली बात तो ये शोध क्या है, न्यू आइडिया। निश्चित तौर से पहला उद्देश्य तो शोध का यही है, बट यही सब नहीं है। दूसरा, ये शोध आवश्यकता की जननी नहीं बल्कि आवश्यकता शोध की जननी है। अब मनुष्य स्वतंत्र प्राणी नहीं है, नियमों से संचालित है, उन नियमों को खोजना ही शोध है, रिसर्च। नियमों को खोजना रिसर्च है, बिल्कुल, ये भी पार्ट है। अगर हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगे, और वो डेफिनेशंस अगर उनको आप क्लब करेंगे तो लास्ट दो में सारी शोध आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, क्रिएटिव प्रोसेस है, अगर सृजनात्मकता नहीं है तो शोध नहीं है। और अक्सर लोग जब शोध की बात करते हैं तो डिसिप्लिन वाइज डिफरेंस देने लगते हैं कि अरे साइंस के रिसर्चर हैं हम, सोशल साइंस के हैं हम, आर्ट्स के हैं हम, लिटरेचर के हैं, हमारी विधियां अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब में कॉमन है, विषय वस्तु अलग है, सिर्फ विषय वस्तु अलग है, विधियां वही हैं। और एक तो और भ्रम पैदा किया गया है एकेडमिक जगत में कि कोई सब्जेक्ट साइंस कहलाता है और कोई सब्जेक्ट आर्ट्स कहलाता है। ये जो विभेदन किया गया था, ये स्टार्ट में किया गया था केवल सुविधा के लिए, आजकल इसको पत्थर की लकीर लोग मान लेते हैं, कहते हैं हम तो साइंस हैं और हम तो आर्ट्स हैं। वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अल्टीमेटली निकल के कहाँ जाती हैं, फिलॉसफी, दर्शन में।
कभी भी पीएचडी इन फिजिक्स नहीं होता है। फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिक्स, भौतिक के दर्शन, ठीक है। तो फिलॉसफी ही है सब। विज्ञान के जो नियम और कानून है वो थोड़े से ज्यादा सख्त है, आर्ट्स के जो नियम और कानून है वो उससे ज्यादा सख्त है। विज्ञान थोड़ा सा सरल विषय वस्तु है और आर्ट्स जो है वो थोड़ी उससे कठिन विषय वस्तु है। इसको कितने लोग मानेंगे? तो उल्टा बोल रहे हैं जी, मानेंगे। यही बात जब हम आप लोग देखे सुन रहे हैं, यही बात जब हमने बीएचयू में बोली थी तो लोग लड़ने को तैयार हो गए थे। सर विज्ञान ज्यादा कठिन है, आर्ट्स कम कठिन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विज्ञान के जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार की है जो बड़ी जल्दी अपना स्वभाव नहीं परिवर्तित करते, और जो आर्ट्स की विषय वस्तु है उसका स्वभाव बड़ी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। तो जो ज्यादा जल्दी जल्दी परिवर्तित हो जाता है उसको पकड़ के रिसर्च करना वो ज्यादा कठिन है, वो ज्यादा जटिल है। उदाहरण के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, वो उसी तरह से बिहेवियर करेगा, है ना। मुझे छोड़ दीजिए, मेरा व्यवहार यहाँ अलग होगा, बाहर अलग होगा, मार्केट में अलग होगा, मॉल में जाके अलग हो जाएगा, है ना। तो मेरे व्यवहार का अध्ययन करना ये ज्यादा कठिन है, मुझको कंट्रोल करना ज्यादा कठिन है। विज्ञान की विषय वस्तु को कंट्रोल करना आसान है, और इसीलिए विज्ञान के शोध आसान है, कला के शोध बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हमको रिसर्च मेथड पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप देखने की कोशिश करें शोध क्या है, तो एक तो है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को ऐड करना, पहले से जो ज्ञान है उसमें कुछ नया ऐड कर देना, इसको हम जनरली कहते हैं बेसिक रिसर्च, मूलभूत शोध। और दूसरा है कोई समस्या ऐसी खड़ी हो गई है जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, उसका समाधान करना, उसके लिए शोध करना, इसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। अक्सर हम लोग ये भूल कर बैठते हैं कि ये दो अलग अलग तरह की रिसर्च है, ऐसा नहीं है, ये एक कंटिन्यूम है, सतत है। ज्यादा बेसिक कम अप्लाइड, ज्यादा अप्लाइड कम बेसिक, तो ये कंटिन्यूम है। कोई भी रिसर्च केवल बेसिक नहीं हो सकता, कोई भी रिसर्च केवल अप्लाइड नहीं हो सकता। जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो एक दुविधा और आती है हम लोगों के मन में कि हमारी रिसर्च डिस्कवरी है, इन्वेंशन है या इनोवेशन है। रिसर्च कैन बी डिस्कवरी, इन्वेंशन, इनोवेशन, इन तीनों में क्या अंतर है? डिस्कवरी, इन्वेंशन, इनोवेशन, इन तीनों में क्या अंतर है? हाँ बताएं। डिस्कवरी को एकदम नई चीज को खोजते हैं, इन्वेंशन जो ऑलरेडी थी लेकिन एग्जिस्टेंस में नहीं थी उसको निकाल दें, इनोवेशन किसी एग्जिस्टिंग बॉडी में कुछ इनोवेट करके उसको नई चीज को निकाल। बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे, थोड़ा सा सुधार मैं करूंगा, बिल्कुल सही आपने बताया है। डिस्कवरी है, बिल्कुल नई चीज हम कभी नहीं निकालते, देखे सीधी सी बात। डिस्कवरी इज एक्सप्लेनिंग एंड एग्जिस्टिंग फिनोमेना, जो ऑलरेडी है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। न्यूटन ने बताया ऊपर से चीजें नीचे गिरती हैं, कितनी जब डिस्कवरी, ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले चीजें नीचे नहीं गिरती थी, लटक ही रह जाती थी, हवा में हो जाता था, ऐसा है नहीं।
भाप में शक्ति होती है, ये भी डिस्कवरी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले भाप में शक्ति नहीं थी, उसी दिन आई। तो नॉलेज इज देयर, इंफॉर्मेशन इज देयर, व्हेन वी आर एबल टू एक्सप्लेन इट, इट्स अ डिस्कवरी। तो भाप में शक्ति है ये खोज कर लेना डिस्कवरी हुई। भाप की शक्ति का उपयोग करके स्टीम इंजन बना देना, ये इन्वेंशन हुआ। यानी जो खोज थी, जो हमारे पास एक सिद्धांत रूप में आ गया, उसका उपयोग करके एक ऐसी चीज बना देना जो पहले नहीं बनी थी, वो इन्वेंशन है। और उस इन्वेंशन को कैसे और परिष्कृत करें, कैसे नया कर दें, उसमें क्या और सुधार कर दें कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए, ये इनोवेशन है। ठीक है, तो डिस्कवरी इज एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना, इन्वेंशन इज यूजिंग दैट फिनोमेना फॉर मेकिंग समथिंग यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड और फॉर एनीथिंग, एंड इनोवेशन इज चेंजिंग मॉडिफाइंग द इन्वेंशन टू मेक इट मोर एप्रोप्रिएट। Whenever we talk about research, it's systematic, logical, empirical, reproductive and replicable. अगर इनमें से कोई भी अंश मिसिंग है तो क्षमा करिएगा, आपका शोध शोध की कैटेगरी में नहीं आता। सिस्टमेटिक, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कई बार हम शोध शुरू कर देते हैं बिना प्लानिंग के, कि चलो पहले तो एनरोलमेंट ले लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। एनरोलमेंट के लिए टॉपिक चाहिए, चलो टॉपिक ले लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। फिर फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट का टाइम आ गया, कुछ लिख देते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। और इसी तरह एक्सीडेंटली करते करते जब थीसिस बांधने आते हैं तो पता चलता है जो किया और जो पहले से टॉपिक दिया उसमें मैच ही नहीं है, तो टॉपिक चेंज कराने का आवेदन दें। तो रिसर्च ऐसे नहीं होगा, रिसर्च इज व्हेन एवरीथिंग इज प्लान्ड। डिस्कवरी हो सकती है अनप्लान्ड, ठीक है, डिस्कवरी अनप्लान्ड हो सकती है। आप किसी भी तरह से एक्सीडेंटली आपने कोई फिनोमेना एक्सप्लेन कर दी या जानबूझ करके शोध कर देती, ये बिल्कुल हो सकती है। दूसरा है लॉजिकल, इट शुड बी लॉजिकल, देयर मस्ट बी अ लॉजिक बिहाइंड व्हाट इज डिस्कवर्ड। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये शोध किया है, मेरे ये शोध में आया है कि इस पर्टिकुलर काइंड का जो बीज है वो हर परिस्थिति में अच्छी फसल देगा, इतना पर्याप्त नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, व्हाई दिस सीड इज दैट मच प्रोडक्टिव। तो वो लॉजिकल होना चाहिए कोई भी रिसर्च, देयर मस्ट बी प्रोसीजर्स टू इवेलुएट इट फंक्शनिंग। इट शुड बी एम्पेरिकल, जो हमारा रिसर्च है वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए, डेटा पर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सस्पिशन, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड लॉजिकल, इलॉजिकल। जो कुछ भी है वो हमारे डेटा पर आधारित होना चाहिए, जो हमने पाया है उसी के आधार पर हम लिख सकते हैं। भाषा पर ही जब हम लोग शोध करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई लॉजिक
कोई तो डेटा होता है सेकेंडरी ही सही, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इन्वेंट कर दें। इट शुड बी रिप्रोडक्टिव, जो रिसर्च किया है वो दोबारा हो सकता हो। इट शुड गिव सम बेनिफिट टू अस, रिसर्च मस्ट हैव सम बेनिफिट एंड रेप्लीकेबल, इसको दोबारा किया जा सकता हो। अगर उसी शोध को कोई और करना चाहता है तो दोबारा कर सके, ये गुण होना चाहिए शोध में। और ये तभी हो सकता है व्हेन ऑल रिसर्चेज आर पब्लिश्ड। यही मात खा जाता है इंडिया पब्लिकेशन। कई ऐसे शोध जो ओरिजिनली भारत में किए गए थे या भारत में प्रचलित थे, वो दूसरे कंट्रीज के नाम पर रजिस्टर्ड है। वाई? क्योंकि हमने लिखा है उसको पब्लिश नहीं किया। है कि नहीं? जमीन जायदाद के हमारे कागज अगर रिकॉर्ड में नहीं होंगे कचहरी में तो वो हमारे नहीं है। उसी तरह से हमने कितना भी अच्छा शोध किया है अगर उसको लिख नहीं दिया तो वो हमारा नहीं, रेप्लीकेबल नहीं हो सकता, कोई और उसको करेगा नहीं। और जब अगर कोई और उसको करेगा तो वो नया माना जाएगा क्योंकि उससे पहले वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो इसलिए एक जो सबसे बड़ी कमी है हमारी कि हम लिख करके पब्लिश नहीं करते। इट शुड बी पब्लिशेबल, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड। सिद्धांत और शोध ये एक नॉलेज जनरेशन प्रोसेस है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। अब जो ज्ञान की प्राप्ति है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा केवल रिसर्च से ही हो। कई बार ज्ञान के जो जानने का मेथड है वो रीजनिंग भी है। हमारे प्राचीन जो दार्शनिक थे उन्होंने जो ज्ञान इकट्ठा किया था वो रिसर्च करके तो किया नहीं था, इट वॉज प्योर रीजन। और आज भी वो गणनाएं सही होती हैं, तो रीजनिंग से भी किया जा सकता है, इंट्यूशन से भी किया जा सकता है। कई बार केवल फीलिंग के आधार पर भी ज्ञान जनरेट होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बेस्ट नॉलेज वो है जो वैज्ञानिक विधि से एकत्रित किया जाए। भले ही इन दोनों विधियों से ज्ञान प्राप्त हो, इनको वैज्ञानिक विधि के जरिए टेस्ट करना, वैलिडेट करना जरूरी होता है। और इसीलिए जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वैज्ञानिक विधि की प्रमुखता से बात करते हैं। वैज्ञानिक विधि में ये पांच चरण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग आगे डिटेल में जाएंगे, अभी केवल समरी बता रहे हैं। पहला, डेवलप द प्रॉब्लम। और जब भी बात होती है डेवलप द प्रॉब्लम तो बात आती है व्हाट इज अ गुड प्रॉब्लम। कई स्लाइड्स बन सकती हैं कि एक अच्छे समस्या की विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छी शोध समस्या कौन सी होती है, और आगे आप देखेंगे कई स्लाइड है। लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए, कीवर्ड का जमाना है, तो गुड प्रॉब्लम इज डिफाइंड एंड डिलिमिटेड। डिफाइंड मतलब उस समस्या के अंतर्गत हम क्या क्या खोजेंगे ये विस्तार से वर्णन हो, एंड डीलिमिटेड मतलब क्या नहीं उसमें शामिल है ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो
एक अच्छी समस्या ये होती है जिसमें आपने क्लियर कट बता रखा हो कि हम क्या करेंगे और उतना ही क्लियरली मेंशन हो कि हम क्या नहीं करेंगे। दूसरा, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। अगर समस्या है तो उसका एक संभावित उत्तर भी होना चाहिए। अक्सर जब इस पॉइंट पर आते हैं हम तो थोड़ा सा मतभेद शुरू हो जाता है कि सर आर्ट्स में तो हाइपोथेसिस परिकल्पना का कोई आवश्यकता नहीं है, वी ऑल डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। लेकिन नहीं, कुछ न कुछ परिकल्पना, बिल्कुल परिकल्पना के रूप में ही सही, कुछ न कुछ एक्सपेक्टेड तो होता ही है। अगर कुछ न कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होगा तो फिर शोध क्यों करेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर होगा कि इस शोध समस्या को अगर हम लेकर के 3-4-5 साल काम करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, ये एंटीसिपेशन ही हाइपोथेसिस है। तीसरा स्टेप, डेटा कलेक्ट करिए, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से करिए या सेकेंडरी सोर्स। चौथा, उसको एनालाइज करिए, और पांचवा, उसको इंटरप्रेट करिए। ये पांच चरण हैं साइंटिफिक रिसर्च के। इसके अलावा भी नॉलेज जनरेशन के लिए कुछ अनसाइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे साइंटिफिक ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने नॉन साइंटिफिक मेथड से भी डेटा जनरेट किया है तो उसको साइंटिफिकली रेप्लिकेट करके प्रूव करना होता है। तो नॉन साइंटिफिक मेथड क्या है, पहला है टेनेसिटी। टेनेसिटी सिंपली नॉलेज जनरेशन का तरीका है कि से होता रहा है, यही होता रहा है, इसलिए ये सत्य है। इससे पहले कि वेस्ट ने हमारे घरेलू उपचार पद्धतियों को, हमारी घरेलू वनस्पतियों को पेटेंट करना शुरू किया, हम टेनेसिटी में ज्यादा यकीन रखते थे कि हमारे यहाँ तो वर्षों से हल्दी का उपयोग हो रहा है, हमारे यहाँ तो हमेशा से नीम का उपयोग हो रहा है, हमारे यहाँ तो बासमती चावल हमारे यहाँ होता ही है। ये सब हम टेनेसिटी के आधार पर क्लेम करते थे, लेकिन जब साइंटिफिक सर्किल में लोगों ने उसका प्रोसेस बता दिया, नॉलेज हमारे पास था कि चोट पर हल्दी लगा दीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये नॉलेज था, लेकिन उन्होंने प्रोसेस बता दिया कि हल्दी में ये कंपोनेंट होता है जो ठीक कर देता है, और उसको पेटेंट कर दिया। और इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि जब भी नॉन साइंटिफिक मेथड से हम अगर ज्ञान प्राप्त करते भी हैं तो उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करना जरूरी है। तो टेनेसिटी एक मेथड है। दूसरा मेथड है इंट्यूशन, बिना किसी इन्फेरेंस और रीजन के। इंट्यूशन, मुझे ये महसूस होता है, आई फील। अक्सर हम लोग कहते थे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब हम सुबह पूजा करते हैं तो दिन भर शांत रहता है, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, ये इंट्यूशन है। जब हम कुंभ नहा आते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, जब हम गंगा में स्नान करके आते हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ होता है। ये सब हमारे इंट्यूटिव नॉलेज थे प्राचीन भारतीय परंपरा के। तो ये भी नॉलेज जनरेशन का एक तरीका है, लेकिन इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रूव किए बिना हम इसका लाभ नहीं ले सकते। अभी रिसेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता चला कि 2013 के इलाहाबाद कुंभ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 200 वैज्ञानिक भेजे थे ये अध्ययन करने की। कोई टीम है इलाहाबाद की जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने वर्ल्ड वाइड ये क्लेम किया कि
माघ मेला में जो लोग आ करके स्नान करते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि से क्लेम किया, हमारा नया जनरेशन नहीं था, इट इज ओनली इनोवेशन, हमने केवल प्रोसेस एक्सप्लेन किया। उसको सुन के 200 वैज्ञानिकों का दल आया केवल ये जानने के लिए कैसा होता क्यों। और आप यकीन नहीं मानेंगे, प्योर साइंटिफिक कारण उसका समझ में आया, निकल के आया। किसी ने पढ़ा है इसमें सर, तो माइक्रोबायोलॉजी के जो रीसेंट टॉप जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हुए हैं एक सर, माइक्रोबायोलॉजी। अब बताइए माघ मेला में नहाना और उसका माइक्रोबायोलॉजी से क्या लेना देना। उन्होंने ये प्रूव किया सैंपल कलेक्ट करके, ब्लड सैंपल लिया हम लोगों ने 750 लोगों का, कि जब लोग माघ मेला कुंभ मेला में नहाने आते हैं वहीं गंगा की रेती में, कोई इलाहाबाद के कल्चर से परिचित है, माघ मेला कुंभ मेला है कई लोग, तो गंगा की रेती पर वो लोग एक महीना रहते हैं कम से कम, वही उसी गंगा क्षेत्र में ही तंबू भी लगता है, पूजा घर भी बनता है और वहीं पे टॉयलेट और एक्सक्रीशन फैसिलिटी भी रहती है। और वो सारे चीजें चाहे पूजा पाठ से रिलेटेड की या दैनिक नित्य जीवन की बहुत आवश्यक क्रियाएं की, वो सारी की सारी वहीं रह जाती है माघ मेला खत्म होने के बाद, और उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। बाढ़ में गंगा का पानी बढ़ जाता है, वो सारी चीजें मिलजुल के खत्म हो जाती है। होता क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीशन से जितने भी लेटेस्ट बैक्टीरिया हैं वो सब उस जगह पर होते हैं, और गंगा के पानी में जो लाभदायक बैक्टीरिया है हमारे लिए वो उनके साथ क्रिया करके, जो आप बचपन से ही बच्चों को इंजेक्शन दे दे के इम्यूनाइजेशन कराने लगते हैं, वो वहाँ नेचुरल इम्यूनाइजेशन होता है। ऐसे तत्व तो वहाँ पैदा होते हैं जो उन सारी बीमारियों के काउंटर प्रोडक्ट, काउंटर बैक्टीरिया तैयार करते हैं। और जब आप वहाँ जा करके स्नान करते हैं, एक महीने तक रोज स्नान करते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में भी आते हैं और रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। कुछ कुछ यही प्रोसेस पहले भी होता था, उसकी बात करेंगे तो फिर शौचालय निर्माण योजना वाले गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वही सारी चीजें होती थी। मनुष्य ज्यादा सुखी और स्वस्थ रहता था, पेड़ पौधों के जो फलों और सब्जियों की जो हमारी पोटेंशियल थी वो भी ज्यादा होती थी, पानी भी कम खर्च होता था, जैविक विविधता बनी रहती थी। हम लोग अब सब बायोगैस बना देते हैं। अथॉरिटी, तीसरा मेथड जो है नॉलेज जनरेशन, जस्ट बिकॉज समवन इन अथॉरिटी हैव सेड दिस, किसी ऐसे ने कहा है, हु इज सपोज टू बी द नोवर ऑफ दैट पर्टिकुलर, ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिसको उस विषय का सबसे ज्यादा ज्ञान है, तो सुबह पूजा करने से दिन ठीक होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये क्योंकि साधु संतों महात्माओं ने की कहा है, उनसे ज्यादा कौन जानता है, तो इसलिए ये सत्य है। तो अथॉरिटी ने अगर कोई चीज कही है तो वो सत्य है। अमेरिका ने अगर किसी विषय पर बोल दिया तो वो बिल्कुल सत्य है, हमने बोला है तो अभी तो पता नहीं आप हैं को। तो अथॉरिटी नॉलेज जनरेशन, और लास्ट जो है वो है रेशनलिस्टिक मॉडल, रीजन के आधार पर, नॉट एक्सपीरियंस के आधार पर। क्योंकि ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यही नॉलेज जनरेशन का एक अच्छा तरीका है।
लेकिन अल्टीमेटली अगेन इट इज नॉट साइंटिफिक, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं डालेंगे साइंस नहीं होगा। मैथमेटिकल साइंस इज रेशनलिस्टिक साइंस, लेकिन उसको भी अप्लाइड में आने के लिए साइंटिफिक होना पड़ता है। आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि यहाँ से मंगल के डिस्टेंस कितनी है, लेकिन जब तक मंगल पे आपका यान उतर नहीं जाएगा तब तक वो कैलकुलेशन प्रूव नहीं होगी। इट्स ओनली अ रीजन, है ना? तो रीजनल जो है, रेशनल जो है, वो भी नॉलेज जनरेशन का अच्छा मेथड है, लेकिन आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि यही होता है हर समय। और कई चीजें हम लोग साइंस में टेक एट ग्रांटेड लेते हैं, वास्तव में वो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता क्योंकि साइंस में भी एरर्स हैं, मेजरमेंट एरर्स साइंस में भी हैं। ऐसा नहीं होता तो 29 दिन का फरवरी 4 साल करने के बाद भी कुछ वर्षों बाद एक दिन 30 का नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं मेजरमेंट में एरर हैं, घड़ियों का सेकंड नहीं बदलना पड़ता। तो वो सब बाद में जब वैज्ञानिक विधियों से इनको पुश किया जाने लगा तो करेक्शन शुरू। तो अगर हम वैज्ञानिक शोध की ओर ही बढ़ते हैं तो वैज्ञानिक शोध के आंकड़े कहाँ से इकट्ठे होते हैं? रिसर्च आइडिया कहाँ से आता है? कहाँ से रिसर्च आता है? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आता है। आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज अभी नहीं एक्सप्लेन की गई या जो एक्सप्लेनेशन है वो उचित नहीं है या जो एक्सप्लेनेशन है वो पर्याप्त नहीं है। इस अनुभव से आ सकता है, कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आ गए अचानक और उनका जवाब खोजना जरूरी है। कोई ऐसा नया रोग आ गया तो बर्निंग क्वेश्चन आ सकते हैं रिसर्च के लिए। लिटरेचर इज अ सोर्स ऑफ रिसर्च, प्रोफेशनल मीटिंग्स एंड डिस्कशंस में आते हैं। जब कोई नया शोध करने वाला बालक आता है तो वो अक्सर परेशान रहता है, सर रिसर्च प्रॉब्लम कैसे है? आप लोग सब एनरोल हो चुके हैं तो आपके पास प्रॉब्लम होंगे, बट अगर आपसे कभी कोई विद्यार्थी या कोई जूनियर अनुज आपसे पूछता है कि सर हमारा प्रॉब्लम क्या हो, तो सबसे बेस्ट तरीका उसको बताइए लिटरेचर, क्योंकि बाकी जो ये चारों चीजें हैं, ये दो और ऊपर वाले दो, ये तब काम करते हैं जब आप उस फील्ड में एंटर कर चुके हो। लेकिन लिटरेचर शोध समस्या खोजने का एक ऐसा तरीका है जो आपको बाहर से ही हेल्प कर सकता है। और अगर कुछ भी ना पता हो तो मैं तो विद्यार्थियों को कहता हूँ, भाई कोई भी एक लेटेस्ट पेपर ले लो जो तुम्हारे इंटरेस्ट एरिया में पब्लिश हो, और उसने डिस्कशन के लास्ट के पैराग्राफ में फ्यूचर सजेशन जरूर दिए होंगे। हमने ये शोध किया, आप जब पत्र लिखते हैं अपना शोध पत्र तो आप लिखते हैं कि हमने ये शोध किया, ये पाया, हालांकि इन मुद्दों पर शोध करने की जरूरत है। वो पढ़ लीजिए, उससे आइडिया निकलने लगेगा कि रिसर्च कैसे करना है। चलिए, अच्छा है, तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं लंच के लिए और इसको कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को। इस डिस्कशन के लिए जब आप आएंगे तो ज़्यादातर हम लोग इसी शोध के जो विभिन्न चरण हैं उसकी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से वो करना चाहिए और क्या एक अच्छा तरीका है करने। लंच के बाद धन्यवाद सर, लंच के बाद 3 बजे हम लोग पुनः इसी हॉल में मिलेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है?